Okay, let's proceed to next and last concept of continuity and differentiability chapter, mean value theorems. In your syllabus, there are two mean value theorems. One is Rolle MVT. MVT means mean value theorem. Rolle's mean value theorem. Another is Lagrange's mean value theorem. Now, what is Rolle's mean value theorem and what is Lagrange's mean value theorem? Here, we have three conditions. First of all, let fx be the function on closed interval AB. fx be the function on closed interval AB. ये है आपका function fx. Okay, और ये आपकी closed interval AB. यहाँ पे point जो है, ये point x coordinate a है और y coordinate f of a आएगा क्योंकि हम generally y is equal to fx लेते हैं. वैसे ये b zero point है. तो कर्व का ये जो पॉइंट है ये b और ये f of b आएगा. ठीक है. नाउ इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सेकेंड f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, थर्ड f of a it is equal to f of b, then conclusion is there exist at least one point c belonging to open interval a b such that f dash c this is zero. Then there exists at least one point C belonging to AB such that f dash C is equal to zero. यहाँ आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे f of A और f of B दोनों इक्वल है. ओके, A और B इनका जो हाइट है वो एक जितना है, मीन्स f of A और f of B इक्वल टू दोनों इक्वल है. ओके, अगर ये होता है, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड है, कंटिन्यूस आप देख सकते हो कर्व कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, डिफरेंशियबल है मीन्स डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, एंड f of A इट इज इक्वल टू f of B. Then there exists at least one point C such that f dash C is equal. Now why this happens, that there exists point C belonging to AB such that f dash C is equal to zero. For this, remember one thing. F dash represents, f dash means derivative. F dash represents slope of tangent to the curve. F dash means derivative. Derivative of a slope. Derivative of a curve represents slope of the tangent to that curve. आपको कोई भी curve दिया y is equal to fx. जब आप इसका derivative find करोगे f dash, और f dash आप किसी particular point पे find करोगे, then at that particular point the derivative is nothing but slope of the tangent. अब जरा कर्व को समझिए. ये देखिए, कर्व हमेशा इस तरह का ही रहेगा. ये ए एफ ऑफ ए है और ये बी एफ ऑफ बी है, और इसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मतलब ये हाइट जो है ये हाइट इक्वल है. एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये हाइट्स इक्वल है. ओके, तो ऑब्वियसली जो पीक पॉइंट रहेगा, ये इस पीक पॉइंट पे कर्व को यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पीक पॉइंट टू. ओके, तो ये पीक पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा या फिर कर्व अगर नीचे है तो डेप्थ वाला जो पॉइंट रहेगा, ओके, अगर कर्व मान लीजिए इस तरह का है तो ये जो डेप्थ वाला पॉइंट रहेगा, ओके, इन दोनों पॉइंट्स पे आइदर पीक पॉइंट और डेप्थ पॉइंट जो भी आपको मिल रहा है, इन पॉइंट्स पे जो टैंजेंट रहेगा इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, जीरो. एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, जीरो. दैट्स व्हाई इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो. इसलिए यहां पे है देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो. अब एक और बात देखिए, यहां पे दिया एटलीस्ट वन पॉइंट. एटलीस्ट वन पॉइंट मतलब कर्व ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें देखिए पांच पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, जहां जहां पे कर्व टर्न ले रहा है, जहां जहां पे पीक पॉइंट्स और डेप्थ पॉइंट्स है. सो दिस इज रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम. तीन कंडीशंस है, इफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी, इफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, f of a equal to f of b. अब जब लैग्रांज की बात करेंगे, इस केस में दो ही कंडीशंस है, f is
कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सेकेंड एफ एस डिफरेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, थर्ड कंडीशन इस केस में नहीं है। आप खुद देख सकते हो यहां पे ये दोनों हाइट्स इक्वल है, यहां पे ये हाइट और ये हाइट वेरी कर रही है, दीज आर नॉट इक्वल। ओके, ये आपका पॉइंट ए जीरो है, ये बी जीरो है, क्लोज इंटरवल ए बी। कर्व के लिए ये पॉइंट जो है ये रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट ए आएगा, वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए हो जाएगा, और यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट बी आएगा और वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ बी हो जाएगा। ओके, अब इस केस में क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट, दिस इज द सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू, आप देख सकते हो एफ डैश सी क्या रहेगा, इट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब ये जो टेंजेंट आप थोड़ा सा देख रहे हैं ड्रॉ किया गया इस पॉइंट पे, एफ डैश सी इसका स्लोप है, एफ डैश सी क्या है, स्लोप। बट आप देख सकते हो ये टेंजेंट इस लाइन सेगमेंट को पैरेलल है, और ये लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रही है, ए एफ एफ ए बी एफ ऑफ बी, मतलब यदि ये पॉइंट हम कंसिडर करें एक्स वन वाई वन और ये पॉइंट करें एक्स टू वाई टू कंसिडर, ओके, तो स्लोप क्या आता है, y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वॉट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, इट विल बी y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, सो वॉट इज एफ डैश सी, दिस इज कॉल्ड एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, दो कंडीशंस दोनों में सेम है, एफ शुड बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ शुड बी डिफरेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ये सेम है, इसमें थर्ड कंडीशन नहीं है, इसमें स्लोप मतलब एफ डैश सी ये रहेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस केस में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है तो एफ डैश सी जीरो आएगा, मोर और लेस दोनों सेम ही है, सेम कैसे, यहां पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल रहेंगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा, इज दिस क्लियर, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा जीरो, एफ डैश सी क्या हो जाएगा जीरो। पहले रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम आया था, मैथमेटिशियन रोल ने फाइंड आउट किया था, फिर इसका मॉडिफिकेशन हुआ था लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये थ्योरम बाद में आया है, ये पहले आया हुआ था, प्लीज नोट इट डाउन।